बिस्मिल्लाहिर्रहमानुर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है एटॉमिक नंबर एंड मैथ नंबर। तो सबसे पहले हम देखते हैं एटॉमिक नंबर, जिसको हम जेड से जाहिर करते हैं, तो ये क्या होता है। द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन की तादाद होती है उसे हम कहते हैं एटॉमिक नंबर। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय जेड, इसको हम जेड से जाहिर करते हैं। अब देखिए, द हाइड्रोजन एटम हैज वन प्रोटॉन इन इट्स न्यूक्लियस, एटॉमिक नंबर इज वन। जो हाइड्रोजन है इसके न्यूक्लियस के अंदर जो एक प्रोटॉन होता है, लिहाजा इसका जो एटॉमिक नंबर है वो वन होगा। इसी तरह कार्बन एटम है सिक्स प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस। इस तरह कार्बन एटम जो है उसके न्यूक्लियस के अंदर जो है सिक्स प्रोटॉन पाए जाते हैं, छह प्रोटॉन है, तो लिहाजा उसका एटॉमिक नंबर भी सिक्स होगा। ऐसे ही जो है एन ऑक्सीजन एटम हैज एट प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस, तो इसका जो है जो ऑक्सीजन है उसके न्यूक्लियस में आठ प्रोटॉन होते हैं, तो लिहाजा उसके जो एटॉमिक नंबर है वो आठ होगा। तो अब हम देखते हैं जी बेटा, नेक्स्ट देखते हैं हम मैथ नंबर। द सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन द न्यूक्लियस एन एटम इज कॉल्ड इट्स मैथ नंबर। किसी भी एटम के न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है उसको हम जब सम उसका जो हम प्लस करेंगे, जमा करेंगे, तो टोटल जितने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होंगे वो कहलाएगी उसकी मैथ नंबर। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए, इसको हम ए से जाहिर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, द हाइड्रोजन एटम हैज ओनली वन प्रोटॉन इन इट न्यूक्लियस, मैथ नंबर इज आल्सो वन। यानी हाइड्रोजन एटम जो है इसके न्यूक्लियस के अंदर एक प्रोटॉन होता है, लिहाजा इसका जो मैथ नंबर है वो एक होगा। इस तरह कार्बन है सिक्स प्रोटॉन एंड सिक्स न्यूट्रॉन। इस तरह कार्बन जो है इसके न्यूक्लियस के अंदर जो है सिक्स प्रोटॉन और सिक्स न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। अब इसका जो मैथ नंबर है वो 6 प्लस सिक्स इज इक्वल टू 12, यानी कि इसका मैथ नंबर जो है 12 होगा। वी कैन यूज एटॉमिक नंबर एंड मैथ नंबर टू फाइंड द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन एटम। हम जो है एटॉमिक नंबर और मैथ नंबर मालूम करने के लिए जो है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को मालूम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैथ नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। यानी कि अब मैथ नंबर मालूम करना है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को जो है प्लस करेंगे तो ये बन जाएगा हमारा मैथ नंबर। जनरल सिम्बायोटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एलिमेंट इज दस गिवन। अब इसको जो है हम जाहिर कैसे करेंगे, एक्स ऊपर ए जेड, यानी कि वेयर एक्स डिनोट्स द एनी एलिमेंट। जो एक्स जाहिर कर रहा है ये किसी भी एलिमेंट को जाहिर कर रहा है, और ए जो जाहिर कर रहा है वो मैथ नंबर को जाहिर कर रहा है, जेड जो है वो एटॉमिक नंबर को जाहिर कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, ये ऑक्सीजन एटम हैज एटॉमिक नंबर 8 एंड मैथ नंबर 16, व्हाट वुड बी द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज न्यूक्लियस। अब कह रहा है कि ऑक्सीजन जो है इसके इसके न्यूक्लियस के अंदर जो है आठ, एटॉमिक नंबर जो है 8 और मैथ नंबर 16 है, तो इसके अंदर जो है न्यूट्रॉन कितने होंगे। नेक्स्ट हम टॉपिक डिस्कस करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन की तकसीम कैसे है। वी नो दैट इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। इलेक्ट्रॉन है वो एटम के न्यूक्लियस के गिर्द जो है गर्दिश करते हैं। द पाथ द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस आर कॉल्ड शेल। ये जो पाथ, ये जो रास्ता है जिस पर इलेक्ट्रॉन जो है रिवॉल्व यानी गर्दिश करते हैं, इसे हम कहते हैं शेल। इलेक्ट्रॉन आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन डिफरेंट शेल। इलेक्ट्रॉन को जो है मुख्तलिफ शेल के अंदर जो है डिस्ट्रीब्यूट तकसीम किया गया है। शेल्स आर आल्सो कॉल्ड एनर्जी लेवल। इन शेल्स को दूसरा नाम एनर्जी लेवल का भी दिया जाता है। दी शेल्स आर लेबल्ड एज के एल एम एन ओ पी क्यू। ये जो शेल है इसको हम के एल एम एन ओ पी क्यू का नाम देते हैं। के इज द फर्स्ट शेल, इसमें जो के सबसे पहला शेल होगा। वी कैन कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन शेल यूजिंग द फार्मूला। हम जो है फार्मूला को इस्तेमाल करके, ये नीचे लिखा हुआ है, हम इलेक्ट्रॉन की तादाद मालूम कर सकते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन शेल मालूम करनी हो तो इज इक्वल टू 2n2, यानी कि n इज द नंबर ऑफ शेल, जिसमें n जो है शेल की को जाहिर कर रहा है कि शेल का नंबर क्या। क्वेश्चन नंबर वन जो है, वट इज मैथ नंबर। द सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड मैथ नंबर। यानी कि जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की तादाद है उसका मजमुआ मैथ नंबर कहलाता है। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए, हम इसको ए से जाहिर करते हैं। फॉर एग्जांपल, कार्बन है सिक्स प्रोटॉन एंड सिक्स न्यूट्रॉन। कार्बन जो है इसके न्यूक्लियस के अंदर छह प्रोटॉन और छह न्यूट्रॉन है, लिहाजा इट्स मैथ नंबर ए इज इक्वल टू 6 + 6 = 12, यानी कि इसका जो एटॉमिक मैथ नंबर होगा वो 12 होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, वट आर शेल्स। शेल्स क्या है? द पाथ ऑफ मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस इज कॉल्ड शेल। यानी अराउंड के न्यूक्लियस के गिर्द वो रास्ते जिस पर इलेक्ट्रॉन गर्दिश करते हैं वो कहलाते हैं शेल। दीज आर लोकेटेड के एल एम एन एंड ओ पी, इसको हम जो है
के एल एम एन और पी और क्यों उसे जाहिर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज एटॉमिक नंबर? द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। कि एटम के न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन की तादाद है उसको हम कहते हैं एटॉमिक नंबर। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय जेड, इसको हम जेड से जाहिर करते हैं। बेटा ये 3 क्वेश्चन थे, इसको अच्छी तरह देखें, याद करें। थैंक यू।